पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सिद्धू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। चन्नी कैबिनेट को जगह नहीं मिलने से नाराज थे सिद्धू। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। खंडवा, रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर में 30 अक्टूबर को वोटिंग, 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन। सीएम शिवराज ने महिला हॉकी खिलाड़ियों का किया सम्मान। हॉकी खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया रही मौजूद। शिवराज के निशाने पर विपक्ष, कहा 2 घंटे बिजली न देने वाले दिग्गी दे रहे धरना। कमलनाथ ट्वीट में व्यस्त। और भोपाल बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा हुए शामिल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वे पंजाब के नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर नाराज चल रहे थे। सिद्धू ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं करने की बात कही। आपको बता दें कि 18 जुलाई को ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ सभी चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की खंडवा, बुरहानपुर लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने महिला हॉकी खिलाड़ी सीएम हाउस पहुंची और सीएम शिवराज से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने मिंटो हॉल में महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया। सीएम ने महिला हॉकी टीम का हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहीं। उधर बैरसिया में जय श्री राम युवा सेवा संस्थान ने अशोक सिंघल की जयंती मनाई, जहां उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस जयंती पर बैरसिया के सैकड़ों युवा एकत्रित हुए। संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक मालवी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं में देशभक्ति का संदेश जाता है, इसलिए संगठन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जय श्री राम युवा सेवा संस्थान द्वारा आज दुर्गा चौक में माँ जगत जननी के दरबार में आज कार्यक्रम रखा। माननीय अशोक सिंघल जी, जो कि उनने हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए पूरी धाराएं करी, कार्यक्रम करा, उनने सन 1983 में जो एक चिंगारी युवाओं के लिए छेड़ी थी वो आज पूरा हो गया। लेकिन सपना थोड़ा सा वो रह गया कि वो देख नहीं पाए, उसी हमने उपलक्ष्य में आज जय श्री राम युवा सेवा संस्थान द्वारा आज दुर्गा चौक में सभी युवाओं के साथ, मेरे सभी बड़े भाइयों के साथ, सभी बुजुर्गों के साथ आज कार्यक्रम रखा। जय श्री राम। शिवपुरी के गुरुद्वारा चौराहे पर खराब सड़क हादसों को दावत दे रही है। यहाँ ऑटो बिना किसी ड्राइवर सड़क पर दौड़ता नजर आया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो सड़क पर पलट गया है। इस बीच ड्राइवर ने ऑटो को सीधा किया, इसके बाद ऑटो अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। शर्मा ने कहा, बीजेपी अपनी तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ पर है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय मैदान में नहीं उतरती, बल्कि 365 दिन सक्रिय रहती है। चुनाव की तैयारी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं ने की है। चारों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। अलग अलग प्रकार से हमारी बैठकें हैं। आज चुनाव के हमारे जो बाकी लोग हैं, जो चुनाव के काम में लगे हैं,
हमारा संगठन की तैयारी आज से नहीं, आपने हमेशा देखा है कि लगातार हमारी तैयारियां चलती रहती हैं। आज भी हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की इस काम में लगे हुए जो लोग हैं उनकी हमारी बैठक है, उसकी समीक्षा, आगे की रणनीति, इस पर हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और इन बैठकें भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, उनकी मेहनत, बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं के व्यापक तैयारी और केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मैदान में उतरे, प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री एल मुर्गन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज से मुलाकात की, जहां सीएम ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गृहमंत्री ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। चिंता वो करें जो सिर्फ घर से ट्वीट करते हैं। बीएसपी विधायक रामबाई के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रामबाई बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा या क्या पड़ेगा जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ये दिग्विजय सिंह जी ने नहीं सोचा। 10 साल सीएम रहे, सांसद हैं, 10 साल से राज्यसभा के, पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन तुष्टीकरण में चचा जान किस तरह से कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बाल आयोग के पत्र पे हम परीक्षण करा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे की जाए। परीक्षण में जैसी रिपोर्ट आएगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दिमनी के पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया भोपाल के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, मैंने दिमनी में कॉलेज की मांग की थी जिस पर सीएम ने स्वीकृति दे दी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे स्वीकार करेंगे, बीजेपी की विचारधारा पर सेवा के लिए समर्पित हैं। और हमारे क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित थे और मंच पर मैंने एक मांग रखी थी कि पूरी दिमनी विधानसभा के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक कोई महाविद्यालय नहीं है। छात्रों को और छात्राओं को वहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने MLA से रिजाइन दिया था और उस चुनाव में था मैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम मंच से ये कहा कि दिमनी को महाविद्यालय दिया और अभी हाल ही में उन्होंने स्वीकृति दे दी और महाविद्यालय के लिए जो घोषणा थी उसको पूरा किया। उसी के लिए मैं आज उनसे मिलने के लिए, उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए ये भोपाल आया हुआ हूं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने कहा। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा शामिल हुए। इस बैठक में जनजाति समाज के पदाधिकारी और आदिवासी समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चांचौड़ा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। चांचौड़ा SDM वीरेंद्र सिंह बघेल ने निर्देश दिए कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, कोई भी ना छूटे। वार्ड क्रमांक 15 बीनागंज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन अभियान का कार्य किया जा रहा है। रात्रि में क्या अभियान चल रहा है? मैं तो पीपल कोरोना और भी देखने गया था बीमारी से मुक्ति के लिए। नाम तो 12 मैं तुम्हारा। संपूर्ण ब्लॉक में टीकाकरण अभियान चला जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग देख लूंगा होगा तो कोई ना छूटे अभियान के अंतर्गत लगाने का टाइम टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि SDM साहब के निर्देशन में एक कार्य जारी है और CM कर्मचारियों के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर में कार्य। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के विधायक प्रतिनिधि यशवर्धन सिंह ने लक्ष्मण सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। एक वीडियो के माध्यम से यशवर्धन सिंह ने कहा कि चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बीजेपी से कांग्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि उनसे उनके पूर्वजों के विषय में अपशब्द कहे गए थे और वे अपने पूर्वजों का अपमान पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। लक्ष्मण सिंह दिन रात गरीबों की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी में आपका जाना समझ से परे है, क्या ये आपके पूर्वजों का अपमान नहीं है? मैं यशवर्धन सिंह मधुसूदनगढ़ से। हाल ही में बीजेपी नेता द्वारा दी गई टिप्पणी पर मैं साफ करना चाहूंगा
कि माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी इसलिए बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे क्योंकि उनसे उनके पूर्वजों के विषय में अपशब्द कहे गए थे, वो उन्हें पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी की थी। पर आपका उसी पार्टी में जाना मेरी समझ से परे है, क्या ये आपके पूर्वजों का अपमान नहीं है? भोपाल में इंसाफ नहीं मिलने पर फरियादी मोंटी बुजुर्या ने खुदकुशी का मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की। पीड़ित युवक का बैरागढ़ के निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, वहीं हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुरवाई के प्याराखेड़ी गांव में एक सनकी युवक शराब के नशे में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और युवक सुरक्षित लौट आया। मौके पर पहुंचे एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने जद्दोजहद करके उसको नीचे उतारा और कुरवाई थाने ले जाया गया। रोड के कुरवाई क्षेत्र के थाना क्षेत्र की घटना है। रोड किनारे दो सौ की हाईटेंशन लाइन है, वो गई हुई है। पास में गाँव रूसी है, वहाँ का धोती पिता नत्थू पारदी है। ये थोड़ा मेंटली कमजोर है और ये शायद शराब के नशे में या मानसिक बीमारी के कारण हाईटेंशन लाइन के ऊपर चढ़ गया था, जिसको पुलिस के प्रशासन की तरफ से तुरंत अपील की गई। उसके परिवार वालों को बुला के उसको समझाया गया। गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, सरपंच पिताजी, उन्होंने भी अपील की और वो नीचे उतर आया, सकुशल है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राजपूत समाज शुरू से हिंदुत्व का रक्षक रहा है। आदिकाल से आज तक क्षत्रिय वीरों की गाथाएं देश को गौरवान्वित करती रही हैं। मैं सदैव हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं का गौरवगान करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे किसी शब्द से मेरे किसी भी राजपूत हिंदू भाई को किंचित मात्र भी ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ और 100 बार आपके सामने झुकने को तैयार हूँ। शर्मा ने जोधा अकबर पर विवादित बयान दिया और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान को महान बताया। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? था लव, था मोहब्बत, थी। कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। आपके वंशजों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जय जय श्री राम के साथ, बुलंदियों के साथ महाराणा प्रताप के शौर्य को, महाराणा प्रताप की वीरता को और महाराणा प्रताप के परिचय को दुनिया में परचम बनाकर फहराओ। इतिहास में अकबर महान नहीं है, महान तो महाराणा प्रताप है, ये दुनिया को बताओ। एक बार और पूरे राजपूताना से हृदय से क्षमा प्रार्थी, जय श्री राम। रतलाम के नामली में रुपए के लेन देन और अवैध शराब के विक्रय को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। शराब दुकान कर्मचारियों से स्थानीय कांग्रेस नेता के कर्मचारियों ने मारपीट की। विवाद में 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें मारपीट करने वाला शख्स कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और नेता राजेश भरावा का ड्राइवर और होटल कर्मचारी बताया जा रहा है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया आने के पश्चात नामली थाने पर आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया। चित्रकूट में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा सरकारों की कमियों के साथ ही पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की खूबियों को बताया और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता से वोट मांगे। वहीं जूही सिंह के सभा स्थल पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने अजगर माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
राष्ट्रीय ध्वज सिंह आए हैं, उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया है कि आप लोग आगे चल के सपोर्ट के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बने। प्रदेश से लगे हुए बॉर्डरों में जितने भी जिले हैं, हमें घर घर जा जाकर, जिले जिले जा जाकर एससी एसटी के लोगों को और जो इन सरकारों से प्रताड़ित पूरी तरह से नहीं दलित विरोधी सरकारों से बचाव करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को उनके पास ले जाना है और आने वाले समय 2022 में पूर्ण बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जज माननीय जुहेश सिंह जी आई है और हमारे एससी एसटी एसटी को प्रकोष्ठ के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भी सब यहाँ पर विराजमान है। उजरा गाँव सुरक्षित क्षेत्र, उस पर प्रत्याशी का चयन करना और चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और वहाँ पर जनता ने देख लिया, भाजपा कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में बारी बारी से लूटा जनता को, इसलिए जनता के सामने विकल्प भी समाजवादी पार्टी है और अभी रणनीति बन रही उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश का लगा हुआ क्षेत्र है, चित्रकूट में इसी पर चर्चा हो रही है और प्रत्याशी अब ताकत के साथ उतारी है। शुजालपुर के अकोदिया गांव से तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अज्ञात व्यक्ति के डूबने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जहां रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर उस व्यक्ति के शव को तालाब से बाहर निकाला। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति के शव को अकोदिया पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। एक अज्ञात व्यक्ति पानी में डूब गया। सुबह 6 बजे जिले से क्यूआर टीम मई मोटरबोट जीवन रक्षक सामग्री के रवाना की गई। टीम द्वारा सुबह 7 बजे से सर्चिंग प्रारंभ की गई जो करीब 10 बजे तक चली। 10 बजे अज्ञात व्यक्ति का शव तालाब से निकालकर अकोदिया पुलिस के सुपुर्द किया गया। व्यक्ति करीब 55 वर्ष का था, जिसके शनाख्त हेतु पुलिस को डेड बॉडी सुपुर्द की गई। जिले में लगातार बारिश का दौर अब में है और नदी तालाब पूरे भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सभी ग्रामीणों से और सभी गणमान्य लोगों से निवेदन है कि नदी तालाब में न खुद जाए न अपने बच्चों को जाने दें, ताकि ऐसी मेन मेड डिजास्टर से बचा जा सके। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।